देखो तो दूल्हे राजा के लिए ये सजावट की जा रही है। ये देखो घोड़ी बग्घी, और जो जगह है दोस्तों वो है विजय विहार। देखो वो लिखा हुआ है, तो आप लोगों को इधर का दिखा देते हैं। और इस पे जो कंपनी यहाँ पर काम कर रही है वो है दोस्तों गायत्री। देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो। ये साइडों में लगाए जाएंगे दोस्तों, कुछ ये सीन है यहाँ का। देखो वो किस तरीके से बना रहे हैं, आप लोग देख सकते हो तस्वीरें। और जो नज़ारा है ये है विजय विहार दोस्तों, और विजय विहार के सामने ही देखो एक साइड का बिल्कुल तोड़ के ख़त्म कर दिया है ना, कर दिया है। और ख़त्म कर देने के बाद में फिर देखो वो बनाया जा रहा है, ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है, साइड वॉल ये इसमें लगा दिए। तस्वीरें आप लोग देखो, आगे का दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। देख रहे हो दोस्तों आप सभी किस तरीके से ये पावी पिस्ते को तोड़ के और किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जा रहा है तेज़ी के साथ में, क्योंकि ये साइड का जो रैंप के बॉल है वो देखिए लगा दी जा चुकी है। ये देख सकते हो तस्वीर है, और इसमें मिट्टी डाली जा रही है, इसको लेबल किया जा रहा है, और लेबल करने देने के बाद में दोस्तों फिर इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है दिल्ली का नज़ारा। और आपको बता दूं ये है पावी पिस्ता जो जगह है, ये है ये दोस्तों, ये जो रोड को बोलते हैं ये पावी पिस्ता बोलते हैं इसको, और ये जाके लोनी बॉर्डर से मिल जाएगा जाके। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ी के साथ में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है बहुत तेज़ी के साथ में दोस्तों। तस्वीर आप लोग देखो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तस्वीरें देखो आप लोग, हर जगह आप लोगों को तस्वीर देखने के लिए मिलेगी, हर जगह कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन आप लोगों को नज़र आएगा इस पावी पिस्ते पर दिल्ली देहरादून का, क्योंकि सन 2024 में इसको ओपन कर देना है आम पब्लिक के लिए। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा जाम जुम का लफड़ेबाजी है इस जगह पर जहाँ पर हम अभी चल रहे हैं, जहाँ का ये वीडियो देख रहे हो आप लोग, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम जुम रहता है। तो दोस्तों 24 में ये आप लोगों को बिल्कुल कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसका कायाकल्प हो रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। तो देखो और आप लोग एंजॉय करो ऐसे ही वीडियोस केपी संत के चैनल पर दोस्तों। Thank you.
देख रहे हो दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर कायाकल्प किया जा रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का तेजी के साथ में। देखो कितने ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी सारी तोड़ के देखो, और यहाँ पर ये साइड वॉल लगाने का काम किया जा रहा है। साइड वॉल लगाई जाएंगी मेन एक्सप्रेसवे की, जो थ्री लेन और थ्री लेन इस साइड में थ्री लेन उस साइड में होने वाली हैं उसी का इस पर यह साइड वॉल का काम किया जा रहा है दोस्तों। साइड वॉल लगा के और फिर इसमें मिट्टी भर देने के बाद में फिर इसको लेबल किया जा रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और ये रात का वक्त है, थोड़ी शाम हो गई है तो ज़्यादा क्लियर नहीं चमक रहा है क्योंकि यहाँ पर ये रोड भी नहीं बनी है, तो इस वजह से यहाँ पर ये वीडियो धचर धचर हो रही है दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, मिट्टी इन्होंने आधी काट दी है, आधी ये सर्विस लेन दे दी है इन्होंने लोकल ट्रैफिक के लिए, और आधे में इसमें मेन एक्सप्रेसवे की लाइन बनाई जाएंगी दोस्तों। और देख सकते हो एलिवेटेड सेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, वो सामने पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से दोस्तों, ये देख सकते हो आप लोग तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर ये मिट्टी निकाली जा रही है। देख सकते हो तस्वीरें आप लोग, अभी तो साला गला ही मेरा बैठ गया बिल्कुल ही, बोला ही नहीं जा रहा है क्योंकि गला ख़राब है दोस्तों। मैं देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर ये तोड़ा फाड़ी कर दी है इन्होंने, जा रहा ये हटाया जाएगा, अब रैंप बनाया जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीरें, तो कुछ ये है नज़ारे यहाँ के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के। ये देखो ट्रक खड़ा हुआ है, ये मिट्टी खोद के निकाली जा रही है, ये देखो ये मशीन खड़ी हुई है, इधर से उधर से मिट्टी खोद दी है इन्होंने देखो, और यहाँ से ये पिलर स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये रैंप बनाया जाएगा इस साइड में चढ़ने के लिए, तो उसी की वजह से ये तोड़ा गया है दोस्तों। और यहाँ से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे दोस्तों यहाँ से ही हो जाएगा एलिवेटेड, जो कि ये मंडोला बिहार में जाके इसका एंड होगा और फिर ये चढ़ जाएगा ऊपर। ये देख सकते हो तस्वीरें, तो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के, और वो देखो अब वहाँ पर उस जगह पर सेटरिंग लगा दिया, सेटरिंग लगा के और अब इस पर पिलर कैप का काम किया जाएगा दोस्तों, पिलर कैप बनाए जाने, ठीक है। कुछ यही सीन है यहाँ का, तस्वीरें देख सकते हो, शहरों में अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उधर साइडों में वो रैंप लगा दिए हैं, देखो रैंप भी बन चुका है, ठीक है दोस्तों। और देखो यहाँ पर ये ब्लैक टॉप को भी हटा दिया जा चुका है, तो चलते हैं और दिखाते हैं चल के आगे। अब यहाँ से चल रहे हैं दोस्तों लोनी बॉर्डर के लिए आगे तराहे पे, और देख सकते हो यहाँ पर ये राइट हैंड पे सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं क्योंकि यहाँ से ये एलिवेटेड हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको मंडोला बिहार परियोजना के सामने रैंप उतरेगा, तो मतलब कि 5-6 किलोमीटर का ये सेक्शन है दोस्तों एलिवेटेड। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, यहाँ से सारे पिलर बनते हुए जा रहे हैं आगे को, और चलते हैं आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं चल के कि किस तरीके से ये पिलर बने हैं, इन पर क्या क्या काम हो चुका है अब तक। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पियर कैप बनाने का काम स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर सेटरिंग लगा रहे हैं अब इन पर, और ऐसे ये लेफ्ट में कर्व ले लेगा दोस्तों और राइट में लोनी और सादरा के लिए निकल जाएंगे दोस्तों, और हम अगर लेफ्ट में चलते हैं तो हम बागपत बड़ौद के लिए निकल जाएंगे दोस्तों, तो उधर ही ये एक्सप्रेसवे जाएगा। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, वहाँ की भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगी जल्द, तो केपी संत के चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हो तस्वीरें दोस्तों, क्योंकि ये सारे में ही पिलर बनके कंप्लीट हो चुके हैं, इन पर पियर कैप का काम किया जा रहा है, और रोड के बीच में देखो एक पिलर ये जा रहा है, फिर यहाँ से ये लेफ्ट में हो जाएगा दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ से ये लेफ्ट में हो जाएगा, ये देखो ये लेफ्ट हो रहा है ना, ये लेफ्ट में सीधा चला जाएगा, ये बागपत बॉर्डर पर जाके ख़त्म हो जाएगा एलिवेटेड सेक्शन दोस्तों, और यहाँ से हम बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे दोस्तों। अब यहाँ से हम राइट हो जाएंगे लोनी के लिए और सादरा के लिए दोस्तों, तो उधर की आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि लोनी से और यहाँ तक पावी पुस्ता तक एक पहले ही फ्लाईओवर बनाया जा रहा था जो कि वो पेंडिंग पड़ा हुआ है,
काफ़ी सालों से मैं देखता आ रहा हूँ उसको, तो वो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों को दिखाते हैं, चल के देख सकते हो, ये सारे पिलर बनके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इस पर आगे की प्रोसेसिंग नहीं हुई और ये कांग्रेस के टाइम में बनाया गया था दोस्तों, और साला ये ऐसा ही के ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो इतना मतलब कि गंदी सरकार थी कांग्रेस, इतनी गंदी सरकार थी, और इतनी गंदी सरकारें जो यूपी के अंदर आई हैं उन्होंने कुछ नहीं करवाया सिवाय दंगा फसाद के, आगे और कुछ नहीं करवाया दोस्तों। तो देख सकते हो ये सारा पूरा, आपको बता दूँ, फ्लाईओवर पूरा पेंडिंग में पड़ा हुआ है, ऐसा का ऐसा ही। और देख सकते हो कि आने वाले टाइम में अब ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बन के कम्प्लीट हो जाएगा, और ये ऐसा ही कैसा ही पड़ा रहेगा, ये इसकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। सारे पिलर बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, साला कुछ भी नहीं हुआ। ये पता नहीं कितने साल पुराना ये बनाया जा रहा था फ्लाईओवर, लोनी का फ्लाईओवर है दोस्तों, और ये पावी पुस्ता पा के ख़त्म हो रहा था, लोनी से स्टार्ट होता था। अगर बिल्कुल हम सीधे सीधे चले जाते हैं दोस्तों तो हम सादरा के लिए निकल जाएंगे लोनी बॉर्डर के लिए, और उससे पहले ये लोनी के लिए जा रहा है, यानी कि पहले ही जहाँ पर ये HP का ऑयल सेंटर है दोस्तों वहाँ पे निकल जाएगा। तो आप लोग बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए KP संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और KP संत पे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। KP संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। देख सकते हो ये सारा ये लोनी में ही चल रहे हैं अभी भी, और हम पावी पुस्ते से आए हैं तो लोनी की साइड में चल रहे हैं और सादरा की साइड में। तो देख सकते हो ये रात का टाइम है दोस्तों, करीब 7 बज रहे हैं, तो आप लोग तस्वीरें देख सकते हो कैसी तस्वीरें आ रही हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।